इसमें ना ये सेक्शन वन है और सेक्शन वन ये मेन थ्योरी है ना। पेपर वन आपका यहीं से आता, पेपर वन जो है ये टोटल 1 to 10 चैप्टर है, ठीक है। तो पेपर वन जो है ना आपका सारा इधर से आया, दिस इज पेपर वन। लेकिन ये 80% आया, ठीक है, यानी 1 से लेकर 10 तक आपका पेपर वन में 80% आएगा, और जो बाकी 20% है वो बेसिकली सेक्शन टू से आएगा, ठीक ठीक है। है। उसमें जो हम प्रैक्टिकल करते हैं पेपर 2 और पेपर 3, वो 20% थ्योरी, पेपर 2 और पेपर 3 की थ्योरी जो है वो 20% है जो पेपर 1 में आता है, इस तरह ही डिविजन, ठीक ठीक है। और अगर हम पेपर 2 की बात करें तो ये बेसिकली सेक्शन 2 यहाँ शुरू होता है, चैप्टर 11 से लेके चैप्टर 21 तक, ठीक है। और इसमें जो पेपर 3 है ना वो ये कवर करता है स्प्रेडशीट और वेब ऑथरिंग। आपने स्कूल में किया है स्प्रेडशीट किया हुआ, नहीं, इतना नहीं एक्स किया। एक्सेल वगैरह किया होगा ना कुछ ना हाँ, कुछ, एक्सेल किया हुआ। एक्सेल ही को हम स्प्रेडशीट कहते हैं। वो कोई ओके। इशू नहीं है, वो मैं सब करा दूंगा, ठीक है। और ये वेब, वेब में HTML वगैरह कुछ करवाया होगा स्कूल वालों ने, ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है। अच्छा, और ये जो चैप्टर 17, 18, 19 है ये पेपर 2 है। आप लोगों को वर्ड के अंदर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करवाई होंगी, ये वर्ड है, जी ये एक्सेस है, ठीक है, डेटाबेस, और ये पावर पॉइंट है। तो पेपर 2 में ये 3 टूल आपको करने होंगे, ठीक है, और पेपर 3 में ये 2 टूल करने होंगे। ठीक ये मोर प्रैक्टिकल है, ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है, ये यानी ये सिंपल नहीं है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होते हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिस से आ जाते हैं, समझ आई। जी। अब हम इसकी प्रेजेंटेशन खोलते हैं। ओके, ये पावर पॉइंट नजर आ रहा है आपको। जी इसमें ये ब्रीफ कंटेंट है जो बेसिकली चैप्टर 1 के अंदर आप कवर अप करेंगे, ठीक है। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर के बारे में आइडिया कुछ, हार्डवेयर क्या होता है, व्हाट डिपेंड बाय जी हार्डवेयर, कैन यू हार्डवेयर डिफाइन। डिवाइसेस, हार्डवेयर जिसे आपके पास आप उनको टच कर सकते हो या आप ओके, गुड, ठीक। देख सकते हो। हार्डवेयर बेसिकली कहते हैं एनी फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एनी इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक का वर्ड लास्ट वाला यूज करना है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, वरना फर्नीचर भी हार्डवेयर होता है, पता है, ठीक है। एनी थिंग विच यू कैन इट इज हार्डवेयर, तो हम कहते हैं एनी फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इसका जो मेन पर्पज होता है ना, विच रन दी सॉफ्टवेयर, विच रन दी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। यानी हार्डवेयर एक ऐसी डिवाइस है जो सॉफ्टवेयर को रन करती है, का मेन फंक्शन ये है, जी याद है, क्लियर है। जी अच्छा ठीक है, फिर हम ये फर्दर इसमें डिस्कस करेंगे कि हार्डवेयर, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, हार्डवेयर एज कंसिस्टिंग ऑफ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी पूरा कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी फिजिकल कंपोनेंट है दे आर कॉल्ड हार्डवेयर। ठीक अच्छा, इसके अंदर आपको 2 कैटेगरीज मिलेंगी, एक इंटरनल हार्डवेयर और एक एक्सटर्नल हार्डवेयर, ठीक है। ठीक ये अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटरनल हार्डवेयर आर दोज हार्डवेयर विच आर एग्जिस्ट विद इन द सिस्टम, जैसे लैपटॉप होता है या CPU होता है, उसके बॉक्स के अंदर जो कुछ भी हार्डवेयर है ना, दैट इज इंटरनल हार्डवेयर, ठीक ठीक है। है। और जो बाहर से डिवाइसेस अटैच होती हैं CPU के साथ, ठीक है, उनको हम कहते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर। ठीक फिर हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम फॉर कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर और प्रोसेसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा। सॉफ्टवेयर का आप वैसे भी कह सकते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच कंट्रोल दी हार्डवेयर। आपने रोबोट देखे होंगे, क्या रोबोट कोई काम खुद से करता है, यानी अगर जी वो मूव नहीं, खुद से कोई भी काम नहीं करता है, वो मूव फॉरवर्ड होता है, मूव बैकवर्ड होता है, मूव लेफ्ट होता है, मूव राइट होता है, लेकिन वो सब प्रोग्राम जो अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग होती है ना उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा होता है। जी इट मीन पूरा जो रोबोट वर्क कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर कर रहा है, सॉफ्टवेयर ने जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक।
जी फिर इनमें हम ये टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है वो देखेंगे, ठीक है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसकी कैटेगरीज है वो देखेंगे। अब सबसे पहले हम हार्डवेयर को देखेंगे। ये देखें, आपने ये वाला सीपीयू देखा होगा, ये देखा है सीपीयू कहीं आपने? देखा, इसको हम, इसको डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है, टावर केसिंग भी कहते हैं, काइंड ऑफ दैट। अब इसके अंदर ये कुछ हार्डवेयर इन्होंने दिया है, ये सारे डन कुछ हार्डवेयर दिया है। ये बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर है, नाम सुना होगा आपने माइक्रो प्रोसेसर, इसको हम सीपीयू भी कहते हैं। सीपीयू का मेन फंक्शन क्या है, कुछ आइडिया है आपको? तो नहीं, जैसे ह्यूमन ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन क्या करता है? सिग्नल देता बॉडी को सिग्नल देता है, यानी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी इटसेल्फ कुछ नहीं है, जब तक ब्रेन की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आएगी हमारी बॉडी मूव नहीं करेगी, ठीक है। जैसे जी। वाटर कोल्ड है या वाटर हॉट है, तो इसकी फीलिंग हमें कौन बताता है? ब्रेन बताता है। तो यही, इसका मतलब है हमारी बॉडी जो है टोटली डिपेंडेंट होती है ब्रेन के ऊपर। इसी तरह सीपीयू के अंदर, यानी कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है जो पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है। सिस्टम के अंदर आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में जो कुछ भी हो रहा है, दैट इज दी परमिशन ऑफ या कंट्रोलिंग ऑफ सीपीयू। ये आगे थोड़ी डिटेल आएगी। अब जैसे यहाँ डेफिनेशन दी हुई, व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर आर द फिजिकल कंपोनेंट, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच मेक अप द कंप्यूटर सिस्टम। यानी बहुत सारे हार्डवेयर है जिसकी बेस पे पूरा कंप्यूटर सिस्टम बना होता है। ईच आइटम ऑफ हार्डवेयर हैव देयर स्पेसिफिक रोल इन ए कंप्यूटर सिस्टम। यानी जितने भी हार्डवेयर यूज करेंगे हर एक का अपना स्पेसिफिक रोल है। सीपीयू का रोल क्या है? टू कंट्रोल द सिस्टम, ठीक है। हार्डवेयर कंपोनेंट कैन आइदर बी इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। ये इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं, ठीक है। ये वाला हार्डवेयर का आइडिया है तुम्हारे, व्हाट इज दैट? इस हार्डवेयर का आइडिया आपको, ये जो मैंने सर्किल किया है? फैन है, फैन। हाँ, नहीं, ये बेसिकली पावर सप्लाई, ये देखिए ये पावर सप्लाई लगी हुई जहाँ से, अच्छा, हाँ, केबल प्रोवाइड करेंगे पावर सप्लाई केबल। ये देखें, यहाँ पावर लगती है, ये दो कनेक्शन है, ठीक। इससे ये क्या सिस्टम ऑन हो जाता है। लैपटॉप में छोटा सा होता है जहाँ पे आप बैटरी बैटरी चार्ज करने के लिए लगाते हैं ना केबल, तो वो उसकी पावर सप्लाई होती है। अच्छा, इसके बारे में आइडिया है? एनी आइडिया? नहीं। ये बेसिकली क्या होता है, ये ग्राफिक कार्ड है, यानी जो आउटपुट स्क्रीन डिस्प्ले करते हैं ये ग्राफिक कार्ड है। यानी आपके मॉनिटर क्या पे करते ग्राफिक कार्ड ये डिस्प्ले करता है, आउटपुट आउटपुट शो करता है। हैं ये मॉनिटर पे जो आपको जो कुछ भी डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज डिस्प्ले बाय दिस कार्ड। कहलाते ये मॉनिटर पे स्क्रीन पे जो कुछ नजर आता है हमें, वो ये उसको ये प्रोवाइड करता है, उसकी फंक्शनैलिटी को ये प्रोवाइड करता है। जी, लेकिन ये क्या कहलाता है? ये ग्राफिक कार्ड, ग्राफिक कार्ड नाम सुना होगा आपने, इसको हम कहते अच्छा, हैं ग्राफ, ग्राफिक कार्ड। जी, हाँ ग्राफ। ठीक गेमर्स, गेमर्स के बारे में सुना होगा? नहीं नहीं, जो गेम खेलते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं, गेमर्स होते हैं, जी उन्हें ग्राफिक कार्ड की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि जी ग्राफिक कार्ड से ना आउटपुट बहुत बेटर हो जाता है। कुछ ग्राफिक कार्ड ऐसे होते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं। ओके, ओके। ये क्या है? तो नो आइडिया। नहीं, अच्छा, ये असल में है लैन कार्ड। ये बेसिकली आपकी कंप्यूटर को ना नेटवर्क डिवाइस के साथ अटैच कर देता है, यानी नेटवर्किंग में हेल्प आउट करता है। अब इंटरनेट से डेटा चाहिए, असल में सीपीयू के अंदर मसला ये है कि इसमें ना वायर्ड नेटवर्क लगा होता है, वायर्ड केबल लगी होती है, इसको हम कहते हैं लैन कार्ड। यानी ये लैन इस्टेब्लिश करने में आपको हेल्प करता है, ये एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने में हेल्प आउट करेगा, ठीक ठीक है। और ये जो एंटीना बना हुआ है ना, ये वाईफाई के लिए, क्योंकि सीपीयू में नॉर्मली वाईफाई का ऑप्शन नहीं होता, ठीक। ओके। तो अगर हमने उसको वाईफाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, देन वी बेसिकली वी नीड टू हैव सच काइंड ऑफ लैन कार्ड। ओके, ये वाला हार्डवेयर तो आपने देखा होगा, सीडी सीडी, जी। अब आपके लैपटॉप में सीडी आती है क्या? डीवीडी? यार, अब आपके तो नहीं लैपटॉप आती। में अब नहीं आती ना, पहले आती थी। ये मेरे ख्याल अब सिर्फ प्ले स्टेशन वगैरह में आ रही है जिसमें सीडी यूज जी होती है, सीडी या डीवीडी, अदरवाइज ये ऑब्सोलीट होगी। ओके, ये जी दिस इज अनदर हार्डवेयर।
ये होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का नाम सुना होगा आपने, हार्ड डिस्क। जी ये सेकेंडरी स्टोरेज होती है, ये सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती है, इसमें डेटा स्टोर होता है परमानेंटली। और ये मदरबोर्ड है जिसपे सारे कंपोनेंट हाउस होते हैं और आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसको आप इनसाइड भी देख सकते हैं, ये जैसे ये मदरबोर्ड ओके है ना, इसपे सारे कंपोनेंट अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ओके ये पूरा एक उन्होंने हार्डवेयर का लेआउट दिया हुआ था कि हार्डवेयर पॉसिबल हार्डवेयर क्या क्या होता ठीक है। है अच्छा ठीक है। अच्छा इसके अंदर अब इंटरनल हार्डवेयर की लिटिल डिटेल आ रही है, यहाँ पे सीपीयू के बारे में दिया हुआ है। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि जैसे हमारा जी ब्रेन डिसाइड करता है कि बॉडी ने परफॉर्म वर्कआउट कैसे करना है, इसी तरह सीपीयू की परमिशन से सारे टास्क परफॉर्म होते हैं। इट इज द डिवाइस दैट कैरी आउट कैलकुलेशन, इसका मेन टास्क क्या होता है, कैरी आउट कैलकुलेशन टू कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन। अच्छा याद रखिए कि बैकग्राउंड पे सारी कैलकुलेशन हो रही होती है, ठीक है। हम जो ठीक भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसके बैकग्राउंड पे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन हो रही है, और ये सारे है टास्क सीपीयू कर रहा होता है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि हमें फील नहीं होती, ठीक है। अब ये मदरबोर्ड है, हमने पीछे देख लिया था मदरबोर्ड। द जी मदरबोर्ड इज सर्किट बोर्ड विच इज कनेक्ट टू मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है ना। इस पे सारे कंपोनेंट हाउस होते हैं, इन होते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है नाउ दिस इज मेमोरी, आपने रैम के बारे में सुना है, रैम। हाँ वो रैम क्या मेमोरी होती है, सेव होती है हाँ उसमें जी जी ये रैम है ना, ठीक है। ये बेसिकली काइंड ऑफ मेमोरी है विच स्टोर डेटा टेम्पोरेरिली। हम जो भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं वो हमेशा रैम में ओपन होती है, क्यों, सीपीयू ने रैम से ही उसको एक्सेस करना होता है, सीपीयू ने उसको रैम से ओके ही एक्सेस करना होता ठीक है है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये रैम जो है ना कनेक्ट करती है जितनी भी आउटपुट इनपुट और स्टोरेज डिवाइसेस है उनको सीपीयू के साथ कनेक्ट करती है। यानी आप ठीक इसको ऐसे कह लें कि ये सीपीयू है, दिस इज सीपीयू। इसके दो पार्ट ओके होते हैं, सीयू और एक एएलयू होते हैं। ये कनेक्ट होता है, असल में एक और मेमोरी होती है जिसको हम कहते हैं कैशे। कैशे का नाम सुना, नहीं कैशे भी काइंड ऑफ रैम होती है। और ये रैम मैं इसकी बात करूँ तो ये जितनी भी इनपुट डिवाइस होती है ना ये रैम के साथ कनेक्ट होती है, आउटपुट डिवाइस भी रैम के साथ कनेक्ट होती है, यानी मॉनिटर प्रिंटर और ये हार्ड डिस्क। तो स्टोरेज डिवाइसेस भी रैम के साथ कनेक्ट है, तो सीपीयू डायरेक्टली अच्छा खुद भी रैम के साथ कनेक्ट होता है। ये देखें इस तरह, तो ठीक सीपीयू ने जो भी देखें इंस्ट्रक्शन कौन देगा, यूजर, और किसके थ्रू देगा, इनपुट डिवाइस के थ्रू देगा। तो वो इंस्ट्रक्शन किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू देगा। आप जब भी कोई लैपटॉप या सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं ना, जैसे आपने वर्ड खोला, स्प्रेडशीट ओपन की या वेब ब्राउजर ओपन किया, वो रैम में ओपन होगा, ठीक है। जब रैम में ओपन होगा, जैसे मैंने वर्ड पे है काम करना, अभी जैसे मैं पावर पॉइंट पे काम कर रहा हूँ, ये पावर पॉइंट रैम में ओपन है और मैं जो कुछ राइट करता जा रहा हूँ ना ये रैम में स्टोर होता जा रहा है और रैम से ही सीपीयू इसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है। ठीक तो दिस इज, ये एक सेंट्रल डिवाइस है जो सीपीयू आउटपुट इनपुट और हार्ड सबको कनेक्ट कर रही है। कैशे क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये भी काइंड ऑफ रैम होती है। तो ये कह रहा है एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन दैट आर टू बी प्रोसेस बाय द सीपीयू मस्ट बी प्लेस इनटू मेमोरी, क्योंकि देखें जब तक इनपुट नहीं होगा तब तक प्रोसेस नहीं होगा, है ना। जी इनपुट होगा तो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होगा तो आउटपुट आएगा। ये चीज, ये जी बेसिक ऑपरेशन है कंप्यूटर का, और प्रोसेस और स्टोरेज, ठीक है। तो चार ऑपरेशन होते हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेस एंड स्टोर। ये किसी भी कंप्यूटर के फोर बेसिक ऑपरेशन जी जिस पे पूरा कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है। ओके अब ये देखें ग्राफिकल कार्ड आ गए, यस। ग्राफिक कार्ड इज अ डिवाइस दैट अटैचेस टू द मदरबोर्ड टू इनेबल द कंप्यूटर टू प्रोसेस एंड डिस्प्ले ग्राफिक्स, यानी मॉनिटर पे जो कुछ भी नजर आ रहा है ना वो ग्राफिक कार्ड की वजह से आ रहा है, ठीक ठीक है। ग्राफिक कार्ड की, या आपको लैपटॉप पे जो कुछ भी नजर आ रहा है वो ग्राफिक कार्ड की वजह से। इसको हम एनहेंस भी कर सकते हैं, इसीलिए गेमर जो होते हैं ना, गेमर जो गेम प्रोफेशनल गेमर जो गेम खेलते हैं, ठीक है ना, उनके लिए ग्राफिक कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्पेशल ग्राफिक कार्ड लेकर आते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि मॉनिटर की जो आउटपुट क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी बहुत बेटर हो जाती है, हाई क्वालिटी हो जाती ठीक है। अच्छा अब देखें ये साउंड कार्ड आ गया, हम जहाँ पे माइक लगाते हैं
जिस जगह पे माइक जी अटैच होता है ना, उसके पीछे ये साउंड कार्ड होता ठीक है, है, ठीक है। अच्छा, हम जब बोलते हैं ना, तो हमारा जो डेटा है ना, वो इस फॉर्म में जाता है, इसको कहते हैं एनालॉग। क्या कहते हैं? एनालॉग। एनालॉग। ये होता है कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ डेटा। कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं करता। अब क्या करता है, ये जो ग्राफ, ये साउंड कार्ड लगा हुआ ना, ये जो साउंड कार्ड, इसके अंदर एक डिवाइस होती है एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग टू, डिजिटल हाँ, इसको कहते हैं एडीसी, एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये इसको कन्वर्ट कर देगा इस फॉर्म में, जीरो एंड वन। इस फॉर्म को कहते हैं जीरो एंड। तो कंप्यूटर इस तरह के सिग्नल को अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर कभी भी एनालॉग को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है। तो हम जब व्हेन एवर वी स्पीक, तो हमारी वॉइस जो है ना, वो वेव फॉर्म में जाती है, और एडीसी इस साउंड कार्ड के अंदर होता है, जो इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेता है। एक होता है, अब ये देखें, ये है हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। रैम टेम्परेरी स्टोर करती है, हार्ड डिस्क परमानेंटली स्टोर करती है। अच्छा, जी हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं ना, वो हार्ड डिस्क पे स्टोर होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ हार्ड डिस्क के अंदर होता है। आपने एमएस ऑफिस इंस्टॉल किया, वो सारे इंस्टॉल होंगे हार्ड डिस्क, ओपन रैम में होंगे, ठीक है, इंस्टॉल हार्ड डिस्क। तो हमारी जितनी भी फाइलें क्रिएट होती हैं, दे आर स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइव इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन लाइक सॉफ्टवेयर एंड फाइल्स। तो जो भी हार्ड डिस्क में, अगर हमें कुछ हार्ड डिस्क में खोलना हो तो हमें रैम के थ्रू खोल सकते हैं उसको। मतलब हम तो देखिए, हम क्या करते हैं, मैंने डेटा सेव किया, फर्ज करें सी ड्राइव पे किया, या मेरी फाइल कहाँ स्टोर होती है, माई डॉक्यूमेंट में। ऐसी मुझे तो सिर्फ ये पता है कि माई डॉक्यूमेंट में स्टोर किया हुआ। अच्छा, इसके अंदर आपने देखा होगा ना, लैपटॉप के अंदर सी, ये सी ड्राइव बना होता है, सी जी ड्राइव। तो ये बेसिकली हार्ड डिस्क के पार्टीशन, हार्ड डिस्क के पार्टीशन है, यहाँ पे डेटा स्टोर होता है। हाँ, मैं आपको असल में वो इंटरनल बता रहा था कि जब भी हम कोई फाइल ओपन करते हैं, वो हार्ड डिस्क ओपन करते हैं, ठीक है। ये हार्ड डिस्क है, ये कनेक्ट है जी रैम के साथ। आप जब भी कोई एप्लीकेशन ओपन करेंगे ना, इट विल ओपन इन टू रैम। जैसे ओके मैंने वर्ड खोला ना, इसने अपनी स्पेस दे दी। मैंने ब्राउजर खोला, इसने स्पेस दे दी। ब्राउजर का एक और टैब खोला, इसने अपनी स्पेस दे दी। ये इस तरह स्पेस ले लेता। अच्छा, इसकी ये वाली स्पेस जो होती है ना, ये ओएस लेके रख लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारी जितनी भी हमें हार्डवेयर से जितनी भी कम्युनिकेशन करनी होती है ना, वो ओएस के थ्रू करते हैं। तो ओएस जो है, वो हमारी इंस्ट्रक्शन लेता है और हार्डवेयर से टास्क को परफॉर्म करवाता है, ठीक है। अच्छा अब मैं जब भी सेव बटन पे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ फाइल, ये इस फाइल में सेव हो जाएगा। जब तक आप ओके, सेव, तब हाँ, जब तक आप सेव नहीं करेंगी, डेटा सेव नहीं होगा हार्ड डिस्क में। राम में ही होएगा हाँ, जब तक अगर रैम सेफ नहीं होगा, बट। आपने सिस्टम बंद कर दिया, रैम से डेटा चला जाएगा, इरेज हो जाएगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं वोलाटाइल। क्या कहते हैं? बोला था वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब है कि जब इसकी डेटा उस वक्त तक होल्ड रहेगा जब तक पावर सप्लाई होगी। आपने जैसे ही पावर बंद की, इसमें से डेटा रेज हो जाएगा। और हार्ड डिस्क में ये इशू नहीं है, ये नॉन वोलाटाइल, ठीक है, नॉन वोलाटाइल। तो इसमें डेटा परमानेंट स्टोर है, ठीक है, ओके। ये देखें, ये नेटवर्क कार्ड आ गया। ये एक ऐसा हार्डवेयर है जो बेसिकली आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से अटैच करता है, ठीक है। या तो केबल के थ्रू करेगा, या विदाउट वायर, विदाउट वायर करेगा। यानी इसमें दोनों ऑप्शन है, वायर एंड वायर। वायरलेस तो इसके अंदर आपको वायर भी मिलेगी और वायरलेस भी मिलेगी, ठीक है। जी तो ये हमें, आप यानी जितनी भी डिवाइसेस, उनको आपस में कनेक्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। दो हों, दो से ज्यादा हों, जैसे आपके आपके घर में भी होगा वो टीपी लिंक राउटर, ठीक है, राउटर होता है जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर इस कार्ड के थ्रू डेटा रिसीव करेगा और सेंड करेगा। ठीक अच्छा, ये ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है, जिसको हम हिस्ट्री में यूज करते रहे। तो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे अलाउ फॉर ऑप्टिकल डिस्क टू रन ऑन द कंप्यूटर। ऑल्सो सम ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव आर एबल टू राइट बर्न डेटा ऑन टू डिस्क। जब देखिए, पहले ना मतलब
नाइनटी देखिए 1990 से पहले हमें हर बार होती थी फ्लॉपी डिस्क डेटा मूवमेंट के लिए। 1990 में सीडीज आ गई, ठीक है। ये 1990 में सीडीज आई थी जो डेट, अब इसमें हम क्या करते थे, डेटा बर्न करते थे, इसमें कॉपी पेस्ट नहीं होता था, डेटा बर्न करना पड़ता था। यानी डेटा डेटा बर्न करने का मतलब क्या होता है? मतलब ये एक प्रोसेस होता था जो राइटिंग प्रोसेस परफॉर्म करता, बर्न करने का मतलब है डेटा राइट करने का प्रोसेस, ठीक है ना। अच्छा आल्सो सम ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव आर आल्सो एबल टू राइट, ये लिखा राइट, राइट का मतलब बर्न है, डेटा ऑन टू डिस्क। तो बर्न एक प्रोसेस होता था, पहले डेटा हमने कॉपी पेस्ट किया, अब पेस्ट हो गया लेकिन वो उस पर प्रॉपरली स्टोर नहीं हुआ, स्टोर करने के लिए हमें बर्न का एक प्रोसेस चलाना पड़ता था सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो फिर वो पूरी सीडी को बर्न करता था। असल में ये जो सीडी है ना लेजर लाइट से ऑपरेट होती है, किससे ऑपरेट होती है, लेजर लाइट। लेजर। तो लेजर लाइट के थ्रू हम इसको डेटा राइट करते थे और डेटा रीड करते थे। टू ठीक है। थाउजेंड में ये डीवीडीज आ गए, 2000 में डीवीडी आए। इनका बेसिक पर्पज क्या होता था, हमें ट्रांसफर करना था डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे, ठीक है। पहले गूगल ड्राइव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, तो सबसे बड़ा इशू था कि अगर डेटा ह्यूज है तो वो ईमेल के थ्रू नहीं जा सकता, ईमेल लिमिटेड होती थी, 1 MB 2 MB बहुत हुआ 5 MB। लेकिन अगर GB में डेटा है तो फिर आपको ये सीडीज और डीवीडीज हेल्प आउट कर। आजकल ये यूज खत्म हो गया, इसको खत्म कर दिया यूएसबी ने, यूएसबी को खत्म कर दिया ऑनलाइन स्टोरेज ने, है ना। जैसे गूगल ड्राइव आ गई या आई ड्राइव आ गई, अब GB में डेटा हम गूगल ड्राइव पे स्टोर कर लेते हैं और डेटा ट्रांसफर हो जाता है। इनका मेन पर्पज है टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, या वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, या फिर बैकअप होता है। ये पावर सप्लाई आपको मैंने शुरू में बताया था, पावर सप्लाई इज कनेक्टेड टू मेन पावर सोर्स टू गिव पावर टू द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। पावर इसके थ्रू सप्लाई हो जाता वैसे चार्ज होता है। है, मतलब नहीं कंप्यूटर चार्ज नहीं होता ना, कंप्यूटर को कंटिन्यूस पावर चाहिए। आपके लैपटॉप के अंदर बैटरी होती है, वो चार्ज होगी। जी ये ऐसी है ना, मतलब पावर सप्लाई इसके थ्रू हम पावर, जो भी पावर सिस्टम था उससे कनेक्ट कर देते हैं, पावर केबल यहाँ लग जाता है, तो ये स्विच से कनेक्टेड होते स्विच से कनेक्ट हो जाता है। इसको कंटिन्यूस पावर चाहिए, आपका कंप्यूटर ठीक कंटिन्यूस है पावर पे चलता है, जैसे लाइट चलेगी वो बंद हो जाएगी। ठीक है। नॉर्मल जो सीपीयू होते हैं ना उनमें बैटरी नहीं होती, ये सिर्फ बैटरी या तो मोबाइल में मिलती है या फिर आपके लैपटॉप में मिलती है। ठीक अब ये एक्सटर्नल हार्डवेयर आ गया, तो इसमें से ये सारे तो आपने देखे ही होंगे, माउस है, कीबोर्ड है और माइक्रोफोन, तो जी ये सारे क्या है, एक्सटर्नल हार्डवेयर। ये इनपुट, अच्छा एक्सटर्नल हार्डवेयर, एक तो आपको इनपुट हार्डवेयर मिल गया, दूसरा ये आउटपुट हार्डवेयर मिल गया, प्रिंटर, ये स्पीकर, अच्छा ये मॉनिटर और ये प्रोजेक्टर, ये सारे क्या है, आउटपुट हार्डवेयर। आउटपुट हार्डवेयर। ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइसेज जो है ये एक्सटर्नली भी कनेक्ट होती है, एक तो इंटरनली होती है, तो ये आउटसाइड कंप्यूटर जो अटैच होती है वहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं और डेटा मूव कर लेते हैं एक जगह से दूसरी, ठीक है। ठीक है। अब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ आइडिया है। सॉफ्टवेयर मतलब इंस्ट्रक्शंस होती है कंप्यूटर को बिल्कुल चलाती। बिल्कुल, इसमें लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी रन ऑन अ कंप्यूटर, तो दी इंस्ट्रक्शन टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। बेसिकली हार्डवेयर इटसेल्फ, उसको कुछ नहीं पता, हार्डवेयर को कुछ नहीं पता क्या करना है, हार्डवेयर जो भी परफॉर्म करेगा वो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन करेगा। जैसे मैंने रिपोर्ट की एग्जाम्पल दी, रिपोर्ट मूव मूव फॉरवर्ड, रिपोर्ट में चार डायरेक्शन होती है, मूव फॉरवर्ड, मूव बैकवर्ड, मूव राइटवर्ड, मूव लेफ्ट, ठीक है ना। ओके, अब जैसे ड्रोन है, ड्रोन खुद से ऑपरेट नहीं हो रहा, वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेट हो रहा है, तो जो जो इंस्ट्रक्शन हम देंगे उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा, ठीक। और फर्दर यह दिया है कि सॉफ्टवेयर इज नॉट अ फिजिकल थिंग, ठीक है, ये इनटेंजिबल होता है, बट इट कैन बी ऑफ कोर्स बी स्टोर्ड ऑन अ फिजिकल मीडियम सच एज सीडी रोम, इट इज जस्ट अ बंच ऑफ कोड, लेकिन हम इसको कहीं भी किसी भी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं। तो फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम टू बी यूजफुल इट हैज़ टू बी कंसिस्ट ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी किसी भी कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एट अ टाइम प्रेजेंट होना जरूरी है। तो आपने देखा होगा ना, सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए तो हार्डवेयर बेकार हो जाता है, जैसे मोबाइल के अंदर होता है,
ठीक है, मोबाइल का सॉफ्टवेयर हैंग हो जाए तो मोबाइल चलता है नहीं, नहीं चलता है? इसका मतलब दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, यानी हम्म, हार्डवेयर का वर्किंग करना भी जरूरी है। जैसे हार्डवेयर में रैम आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए तो सिस्टम ऑन नहीं होगा, सिस्टम ऑन नहीं नहीं होगा। होगा, ठीक है, क्योंकि रैम आउट ऑफ ऑर्डर है। दोनों का प्रेजेंट और लाइव होना जरूरी है, वर्केबल होना जरूरी। अच्छा, दो कैटेगरीज आती है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। अच्छा, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूजर रिलेटेड होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूजर रिलेटेड, अच्छा, मतलब जिस पे आपने कोई टास्क परफॉर्म करना हो। अगर आपने टाइपिंग करनी है तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन करेंगी? वर्ड, वर्ड प्रोसेसर। अगर आपने कैलकुलेशन करनी है तो कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन होगा? एक्सेल। स्प्रेडशीट या एक्सेल। अगर आपने डेटा हैंडलिंग करनी है, डेटा मैनेजमेंट करनी है, तो फिर डेटाबेस जैसे एक्सेस है ना। तो कहने का मकसद है यूजर रिलेटेड, आपने अपना कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, यू नीड टू हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यू नीड टू अच्छा, हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अच्छा ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपके हार्डवेयर को ऑपरेट करने में हेल्प आउट करता है, जिसके थ्रू आप अपने पूरे कंप्यूटर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करते हैं या उसे कंट्रोल करते हैं। यानी सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ओएस है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक सेकंड के, अच्छा ये देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो जी इसमें ये तीन चार कैटेगरीज आती हैं। एक तो ओएस होता है, ओएस वो ऑपरेटिंग वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमसे इंस्ट्रक्शन लेता है, यूजर से इंस्ट्रक्शन लेता है और हार्डवेयर से परफॉर्म करता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर नॉर्मली इन्वॉल्व इन द रनिंग ऑफ द कंप्यूटर, ऑपरेटिंग प्रोवाइड अ यूजर ठीक इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस का मतलब है कि या तो ये आपसे कहेगा कमांड टाइप करें, ठीक है, या फिर आइकन वगैरह पे क्लिक करें। ठीक है, तो ये डिटेल आगे आएगी किस तरह का होता है। मतलब हाँ मतलब ये कि अभी आपको ये जो कुछ भी नज़र आ रहा है, ग्राफिकली नज़र आ रहा है,
जैसे मैं किसी भी आइकन को ओपन करता हूँ तो वो ओपन हो जाता है, यानी फोल्डर ओपन हो जाता है, फाइल फाइल क्लोज करना, फाइल क्रिएट करना, फाइल ओपन करना, ये सारे ऑपरेशन हैं, सारी इंस्ट्रक्शन जो आप कंप्यूटर को दे रहे हैं, तो ये थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, फिर ये डिवाइस ड्राइवर होते हैं, हम जितने भी हार्डवेयर अटैच करते हैं ना कंप्यूटर के साथ, जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, कैमरा, प्रिंटर, कोई भी हार्डवेयर बाहर, हाँ बाहर से अटैच करेंगे ना, उसका अपना सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। यानी किसी भी डिवाइस को जब आप कंप्यूटर से अटैच करेंगे तो कंप्यूटर को रिकग्नाइज करवाना होता है कि हमने आपके साथ माउस को अटैच किया है, प्रिंटर को अटैच किया है, स्कैनर को अटैच किया है, बार को रीडर को अटैच किया है, किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस को जब आप बाहर से अटैच करेंगे सिस्टम मस्ट रिकग्नाइज, और उसके लिए हमें उसको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना पड़ता है। ये लिखता है ना डिवाइस ड्राइवर विच अलाउ हार्डवेयर कंपोनेंट टू वर्क। जब तक आप डिवाइस ड्राइवर, अब तो सारा कुछ प्लग एंड प्ले है ना, पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ता था। आज से 20 साल पहले हम इंस्टॉल करते थे किसी भी हार्डवेयर को, पहले जब सिस्टम को लगाते थे ना तो कहते थे इसको इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करने का मतलब ये था कि हमें उसका डिवाइस ड्राइवर एक्टिवेट करना पड़ता था। अब सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाता है, प्लग एंड प्ले। अच्छा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये बेसिकली ये वो सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम को ना स्मूथ रखने में आपको हेल्प आउट करते हैं। एंटीवायरसेस। एंटीवायरस, वन ऑफ द एग्जांपल इज एंटीवायरस। अगर एंटीवायरस ना हो तो आपका सिस्टम जो है वो स्लो होना शुरू हो जाएगा, तो आप यानी उसकी जो स्मूथनेस है वो खत्म हो जाएगी। इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो बेसिकली जो बैक, ये वो सॉफ्टवेयर है जो बैक एंड पे काम कर रहे हो, ठीक है, हमें बस उसको एक्टिवेट करना होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर विच मेंटेन द कंप्यूटर परफॉर्म, ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, डिवाइस ड्राइवर के थ्रू हम जितने भी इनपुट और डिवाइस को एक्टिवेट करते हैं, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो बैक एंड पे काम करते हैं, जो हमारे उसकी वजह से हमारा सिस्टम बेटर वे में वर्कआउट कर रहा है। और एप्लीकेशन ठीक सॉफ्टवेयर जो होता है इसके थ्रू हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हम कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सब समझ में आ गया? ठीक, जी, तो हम इस तरह करेंगे कि एक दिन हम थ्योरी करेंगे और एक दिन हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, पास सिर्फ एक क्वेश्चन है। हाँ बोले। एग्जाम में मतलब अगर कोई क्वेश्चन आएगा, जैसे ये क्वेश्चन आएगा कि इसका मीनिंग बताएं या ये किसके लिए यूज होता है, ऐसा आएगा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ ना, मैं आपको पेपर वन दिखाऊँ, आपको पेपर जी। वन दिखाऊँ। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि जैसे ही हमारा, मेरा मेथड ये होता है कि जैसे ही चैप्टर खत्म होता है ना, तो मैं उसके साथ ही पेपर, उससे उस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन साथ साथ करवा देता पास हूँ। जी, अभी जैसे मैं आपको मोस्ट लेटेस्ट पेपर दिखाता हूँ जून 24 का, तो जिस चैप्टर से जो कुछ आया होता है वो साथ साथ तैयारी कराया था, ताकि आप डे वन से ही कनेक्ट हो जाएंगी सीआई के साथ। ये देखें, ये पेपर वन है, ये लिखा हो पेपर वन थ्योरी, ये है 1 आवर 30 मिनट का, ये जून 24 का पेपर है, इसमें तीन वेरिएंट आते हैं 11, 12 और 13। ठीक है, ये 11 बन जाता है, यानी एक तीन पेपर की तैयारी हो जाती है एक पेपर, यानी एक एग्जाम से। अब देखें ये इस तरह आया है, सर्किल टू इंटरनल, अभी पढ़ रहे थे ना, सर्किल टू इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट, आपने जो सर्किल किया आपको 2 मार्क्स मिल गए। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है, यानी ये इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, डेफिनेशन जो इनके जो क्या कहते हैं मीनिंग्स हैं वो राइट करना, इनको कंप्लीट करना, या इनसे रिलेटेड टेक्निकल टर्म, ये इस तरह जैसे तीन, तीसरा क्वेश्चन आ गया 3 मार्क्स का, ये आ गया, ठीक है, 1 मार्क का भी आता है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ये हर चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा होता है, तो हम, तो मैं आपको हर चैप्टर से लिंक कर दूंगा जिस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आया, तकरीबन कितने क्वेश्चन आए।
इस पेपर में 13 क्वेश्चन आए, 13 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पूरा डिवाइडेड होता है, तो इजीली मार्क्स गेन किए जा सकते हैं अगर प्रिपरेशन अच्छी हो। ये देखना, वन वन मार्क्स के आपको मार्क्स मिल रहे हैं, 1 मार्क, 4 मार्क, 1 मार्क, फिर 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, पूरा क्वेश्चन डिवाइड किया होता है, ठीक है। जी और कोई इशू? नहीं, तो काफी आज के लिए, ठीक जी है। तो स्केड्यूल मैं भेज दूंगा, ठीक है। ओके, तो थैंक यू सो मच, फिर अल्लाह हाफिज। नाफिस।